मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, इसमें जो था हम इंडिकेशन समझ लेते कि ट्रू इंडिकेशंस क्या होते हैं, फॉल्स इंडिकेशंस क्या होते हैं, ट्रू इंडिकेशंस में नॉन रेलेवेंट इंडिकेशंस क्या होते हैं और रेलेवेंट इंडिकेशंस क्या होते हैं। उसमें रेलेवेंट में भी देखे थे लीनियर इंडिकेशंस क्या होते हैं और राउंडेड इंडिकेशंस क्या होते हैं, ये सब हमने देख लिया था। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल की हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होती है हमारी परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो अभी हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो उसको एक तरीके से परमिशन दे, यानी किसको परमिशन, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो उनको वो कैसे परमिशन दे रहा है उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। अगर अच्छे से परमिशन दे रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो हाई परमिएबल है या हाई उसकी परमिएबिलिटी है। और अगर हमारा जो मटेरियल है वो उसको मैग्नेटिक फील्ड को कम परमिशन दे रहा है, यानी कि जो हमारा मटेरियल है वो स्लो मैग्नेटाइज हो रहा है, तो हम उस केस में बोलेंगे कि इसकी परमिएबिलिटी कैसी है कि लो है। तो परमिएबिलिटी से ही समझ में आता है जो इसका टर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फील्ड को परमिशन देने की एबिलिटी क्या है, कि वो हाई है या फिर लो है। ठीक है, तो ये होती है परमिएबिलिटी, यानी कि परमिशन देना जो भी हमारा मेटेरियल है वो कैसी उसको परमिशन दे रहा है, जो हमारी फील्ड लाइन है उसके अंदर जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं वो प्रॉपर्टी कहलाती है परमिएबिलिटी। ठीक है, अभी इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे। हमारी सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस में क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल है वो अगर मैग्नेटाइज हमने उसको किया है और हम उस पे से जो भी हम एक्स्ट्रा जो सोर्स यूज कर रहे हैं मैग्नेटाइज करने के लिए, अगर हम उस सोर्स को हटा लें तो वो खुद से क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। यानी कि जब हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज किया तब वो मैग्नेटाइज हो गया, और जैसे ही हमने हमारा जो जैसे फॉर एग्जांपल यॉक ले लेते हैं कि यॉक से हम उसको मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, जब हमने उस यॉक को हटाया तो हमारा जो मटेरियल है वो खुद से क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। मैग्नेटाइज जब किया तो मैग्नेटाइज हो गया, और उसको हमारा जो भी एक्सटर्नल सोर्स है उसको हटाया तो वो खुद से क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, हमने पहले भी रिटेंटिविटी की बात की थी। क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि उस जिसकी रिटेंटिविटी कैसी होती है, हाई होती है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है जब हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज किया और उसके बाद में हम उस पर एक्सटर्नल जो भी सोर्स है वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारा मटेरियल क्या रहता है, मैग्नेटाइज रहता है। जैसे अगर हमने किसी भी मटेरियल को क्या किया, मैग्नेटाइज किया, फॉर एग्जाम्पल 100% में क्या हुआ, मैग्नेटाइज हो गया। जब हम उसमें से फॉर एग्जाम्पल जैसे यॉक से हमने मैग्नेटाइज किया 100% हो गया, हम जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक है हम अपने मटेरियल पर से हटा लेंगे, उसके बाद में भी हमारा जो मटेरियल है वो कुछ डीमैग्नेटाइज होता है हल्का सा, यानी कि उसके अंदर से क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलीज हो जाती हैं, लेकिन फिर भी 60% या 50% या 70% वो तो मटेरियल की अलग अलग रिटेंटिविटी होती है, अलग अलग मटेरियल की, उसके हिसाब से क्या होगा वो रिटेन करेगा। तो यानी कि अगर हमने 100% उसको मैग्नेटाइज किया है तो यॉक को हटाने के बाद में हमारा मटेरियल फिर भी क्या रहता है, मैग्नेटाइज रहता है। उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अंदर अपने अंदर ग्रहण करके रख लेता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी का मतलब वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को रख लेता है और क्या होता है कि वो एज ए मैग्नेट ही वर्क करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम एमपीआई कर लेते हैं तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, कुछ मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करते हैं।
क्योंकि फर्दर जो भी हमें प्रोसेस करना है उसमें हम सही से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं, मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करते हैं, ताकि उसे हमें वेल्डिंग करना है तो आसानी से हम वेल्डिंग कर सकें, या मशीनिंग करना है तो पार्ट को हम सही तरीके से लगा सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, डीमैग्नेटाइज करते हैं। रिटेंटिविटी का मतलब है वो अपने अंदर उस प्रॉपर्टी को रख लेता है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रख लेता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे समझेंगे कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो अपने अंदर गृहण करके रख लेता है, वो एज ए मैग्नेट ही वर्क करता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ये हमारी कुछ तीन प्रॉपर्टी होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, अगर हम देखें एमपीआई के केस में तो हमारी यही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है हमारा सॉफ्ट टायर और दूसरा होता है हमारा हार्ड टायर। सॉफ्ट आयरन जो है हमारा एक अलग मटेरियल है और हार्ड आयरन है ये एक अलग मटेरियल है। अगर हम सॉफ्ट आयरन की बात करें तो इसमें क्या होती है, हमारी कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्ट आयरन होता है। अब इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है तो इसमें क्या होता है, सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी हाई होती है। अगर कोई मटेरियल की परमिएबिलिटी हाई है, इसका मतलब जो मटेरियल है हमारा बहुत जल्दी क्या हो जा रहा है, मैग्नेटाइज हो जा रहा है, तो उसकी हम प्रॉपर्टी बोलेंगे कि परमिएबिलिटी क्या है, हाई है। लेकिन इस केस में जो रिटेंटिविटी होती है वो बहुत लो होगी। रिटेंटिविटी क्या होगी, लो होगी। यानी कि ये जो मटेरियल है, अगर हमारे खुद से कह सकते हैं कि जब हमने मैग्नेटाइज किया तो वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो गया, तो इसका मतलब वो डीमैग्नेटाइज भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इस मटेरियल की प्रॉपर्टी को देखें तो ये रिलक्टेंस में आ जाएगा। रिलक्टेंस में क्या, कि हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज किया तो मैग्नेटाइज हो गया, और हमने क्या किया, जब योक को हटाया तो हमारा मटेरियल खुद से क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया। तो ये जो है हमारा रिलक्टेंस में आता है। अगर हम रिटेंटिविटी के केस में देखें तो रिटेंटिविटी हम कह सकते हैं बहुत लो होती है। ठीक है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर रखता ही नहीं, और उस केस में हमें डीमैग्नेटाइजेशन की जरूरत भी नहीं होती। अगर हम हार्ड आयरन की बात करें, इसमें हमारा क्या होता है, हाई कार्बन होता है, और इसकी जो परमिएबिलिटी है वो क्या होती है, लो होती है। परमिएबिलिटी लो होती है, यानी कि ये इसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमें क्या होता है, काफी समय लगता है। तो ये जो मटेरियल है इसकी परमिएबिलिटी अगर लो है तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो इस केस में अगर कोई मटेरियल मैग्नेटाइज करने में ज्यादा हमें काम करना पड़ रहा है या समय लग रहा है, तो उसको फिर डीमैग्नेटाइज हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो अपने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको गहड़ भी कर लेगा, जिसको हम बोलेंगे कि रिटेंटिविटी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, हाई रिटेंटिविटी। ठीक है, जब हाई रिटेंटिविटी होगी तो उस केस में हमें क्या करना होगा, मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना होगा। ये कुछ मटेरियल की हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें याद रखनी है, परमिएबिलिटी, रिलक्टेंस, रिटेंटिविटी। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि किसकी परमिएबिलिटी हाई होती है, किसकी लो होती है, एक्चुअल में क्या चीज है, तो इससे भी थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बाकी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हाँ एक चीज और समझ लेंगे, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग क्या होता है, जैसे हमने योग से क्या किया, मटेरियल को मैग्नेटाइज किया, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमने एसी करंट दिया मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में, तो इस केस में जो हमारी वेट लिफ्टिंग होगी वो स्टैंडर्ड के हिसाब से 4.5 kg होती है। यानी कि जब आपने एसी करंट दिया और मटेरियल को मैग्नेटाइज किया, जो मटेरियल है अगर 4.5 kg तक है तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक है वो उसको लिफ्ट कर सकता है, उसको उठा सकता है। 4 होगा तब भी उठाएगा, 3 होगा तब भी उठाएगा, यानी कि जो स्टैंडर्ड है वो
पाइप के लिए है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में अलग अलग मशीन अवेलेबल है, तो उसमें क्या है कि कैपेसिटी भी अलग अलग है। जैसे अगर हम अपने मशीन की बात करें तो एसी में हमारे जो वेट लिफ्टिंग है वो कितना है, 7 kg, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है ये। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक है, एसी करंट की सप्लाई दे रहे हैं, तो वेट लिफ्टिंग क्या होगा, तो 4.5 kg होगा। अगर हम डीसी करंट की बात करें, अगर आपने डीसी की सप्लाई दी है, इसका मतलब सबसरफेस का इफेक्ट फाइंड आउट करते रहेंगे, ठीक है। तो उस केस में जो वेट लिफ्टिंग है वो 18.1 kg होता है, ये इसका स्टैंडर्ड है। अगर हम अपनी मशीन की बात करें तो डीसी अगर करंट सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारा वेट लिफ्टिंग होगा वो 27 kg रहता है, ठीक है। तो मार्केट में अलग अलग तरह की मशीन अवेलेबल है, अलग अलग लोड की मशीन अवेलेबल है, उसके हिसाब से भी हमारा क्या होता है, वेट लिफ्ट में चेंज आता है, ठीक है। लेकिन आपको स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो याद रखनी है, एसी में 4.5 kg और डीसी में 18.1 kg वेट लिफ्टिंग होता है, ठीक है। ये वेट लिफ्टिंग समझ में आया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेट लिफ्ट का मतलब हम इसका हम कैलिब्रेशन में भी यूज करते हैं। अगर हमारा कोई मटेरियल है तो हम उसको मैग्नेटाइज करके और उसको एक बार लिफ्ट उठा करके देखते हैं कि जो मशीन है हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके आधार पर भी हम क्या कैलिब्रेशन कर सकते हैं। बाकी कैलिब्रेशन का और जो प्रोसेस है वो भी बताएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तो हम देखेंगे कि एमपीटी का जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो क्या है। अगर हम बात करें एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 and 2 अपेंडिक्स 6, ठीक है, ये हमारे क्या है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, जो हमारा ये कोड होता है एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 and 2 अपेंडिक्स 6। ये क्या कहता है कि अगर कोई क्रैक आ रहा है या कोई लैक ऑफ फ्यूजन आ रहा है या फिर लैक ऑफ पेनिट्रेशन आ रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी भी हाल में इसको हमें क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर हमारा क्रैक आ रहा है या फिर लैक ऑफ फ्यूजन आ रहा है या फिर लैक ऑफ पेनिट्रेशन आ रहा है, इसको क्या कर देना है, सीधे रिजेक्ट कर देना है। सेकंड में क्या, सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है कि अगर लीनियर इंडिकेशन 1.5 mm तक का अगर है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कितना, 1.5 mm तक, कौन सा लीनियर इंडिकेशन, तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर उससे जैसे ऊपर जाएगा 1.6, 2 mm, 3 mm, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट होता है हमारा, या थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है कि जो राउंडेड इंडिकेशन है तो उसको हम 5 mm तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। 5 mm तक उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि राउंडेड इंडिकेशन को, ठीक है। 5.5 है, 6 है, तो हम उसको सीधे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। फोर्थ जो पॉइंट होता है हमारा, 4 and more राउंडेड इंडिकेशन हैविंग एज टू एज डिस्टेंस distance 1.5 mm acceptable। देखिए, चार या चार से ज्यादा राउंडेड इंडिकेशन आ रहे हैं, और जो कि किस क्राइटेरिया में, एक्सेप्टेबल या एक्सेप्ट करने के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, लेकिन
उनके जैसे दूरी जो है 1.1 इंडिकेशन से दूसरे इंडिकेशन के जो डिस्टेंस है जिसको हम एज टू एज डिस्टेंस बोल रहे हैं 1.5 एमएम तक है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे हमें राउंडेड इंडिकेशन कुछ इस तरह से मिले, 4-5 राउंडेड इंडिकेशन मिले जो कि हमारे राउंडेड इंडिकेशन थे, वो डिस्कंटिन्यूटी काउंट हो रहे थे, लेकिन जो एज टू एज डिस्टेंस थी वो 1.5 एमएम से अगर अधिक होगी तो हम क्या करेंगे, उस मटेरियल को रिजेक्ट कर देंगे। अगर 1.5 एमएम तक ये जो डिस्टेंस है ये है या इस वजह से इसकी, ठीक है, ये इस तरीके से, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये मतलब होता है हमारा एज टू एज डिस्टेंस, ठीक है। तो राउंडेड इंडिकेशन है 4 या 4 से ज्यादा है, ठीक है, या कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो एज टू एज डिस्टेंस को देखेंगे कि वो 1.5 एमएम तक है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये हमें कुछ पॉइंट हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं हिस्टेरेसिस, एक इसका टॉपिक है हिस्टेरेसिस, उसको देख लेते हैं क्या होता है, हिस्टेरेसिस का क्या मतलब है। हिस्टेरेसिस कर्व, जिसको हम बीएच कर्व भी बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व या फिर बीएच कर्व, इसका क्या मतलब होता है कि ये इंडिकेट करता है कि जब हम कोई भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में मटेरियल है और हम इसको क्या कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेज रहे हैं जिसकी वजह से ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। ये जो बी है वो मैग्नेटाइजेशन को इंडिकेट करता है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंडिकेट, यानी कि क्या होगा, जब हम इस मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन भेजेंगे तो धीरे धीरे हमारा मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, जैसे जो कि आपको यहां से देखने को मिलेगा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, धीरे धीरे हमारी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगे और हमारा मटेरियल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मैग्नेटाइजेशन होने लगेगा। ये आपको कुछ इस तरह से देखने को, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, एक समय ये आएगा कि हमारा जो मटेरियल है वो फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाएगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट। अब आप उसमें कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेज दीजिए या कितना भी एक्सटर्नल जो फोर्स है वो अप्लाई कर लीजिए, इससे ज्यादा हमारा मटेरियल क्या नहीं होगा, मैग्नेटाइज नहीं होगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड पॉइंट पे जा चुका है। उसके बाद में हम मटेरियल को मैग्नेटाइज कर लिए और जो भी हमारा एमपीटी का प्रोसेस था उसको फॉलो करके हमने क्या किया, उसको अच्छे से क्या किए कि उसकी रिपोर्ट वगैरह बना लिए, फिर क्या होगा, जब मटेरियल को हम छोड़ दिए तो मटेरियल क्या होगा, खुद से उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा जो मटेरियल है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना बंद हो जाएगी। और इसमें क्या है, वो मटेरियल क्या है, यहां से देखने को मिलता है कि बाई एक्सिस शो कर रही है कि हमारा मटेरियल क्या है, मैग्नेटाइज है, अब भी उसमें जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड है लाइंस है वो इसके अंदर है, इसका मतलब उसने वो ग्रहण कर रखी है, लेकिन हमारी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो क्या हो गया है, इस पॉइंट पे जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन हमारा मटेरियल क्या है, मैग्नेटाइज है, जिसको हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, यानी कि ये मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है उसने अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को रख लिया है, वो निकलने नहीं दे रहा है। उस केस में हम क्या करते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या है, हमारा एक प्रोसेस है, अगर हम एसी लेके मैग्नेटाइज किए हैं तो डीसी लेके डीमैग्नेटाइज कर देंगे, अगर डीसी से मैग्नेटाइज किए हैं तो हम एसी लेके डीमैग्नेटाइज कर देंगे, या फिर हम क्या करते हैं, हम यॉक से अगर मैग्नेटाइज किए हैं तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करके हम उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, या फिर बाई हीटिंग भी हम क्या करते हैं, मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करते हैं। जब हम मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करेंगे तो इसका मतलब फिर से जो हमारी फील्ड, जो हमारी
मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जब हम उसको भेजेंगे एक तरीके से, तो रिवर्स डायरेक्शन में जब भेज रहे तो इसका मतलब हम उसको निकाल रहे हैं। जब धीरे धीरे वो निकलेंगे तो हमारा मटेरियल क्या होने लगेगा, डीमैग्नेटाइज होने लगेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा ये वाला कि जो हमारा मटेरियल है वो क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज इस पॉइंट पे हो जाएगा, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी ये वाला जो पॉइंट है हमारा, हमारा क्या कहलाता है, कोएर्सिविटी कहलाता है। ठीक है, अगर आप फिर भी मटेरियल को रिवर्स डायरेक्शन में करके डीमैग्नेटाइज करते जा रहे हैं, यानी कि फिर से आप उस मटेरियल को क्या कर देंगे, एक्चुअल में आप उसको फिर से सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंचा देंगे, तो ये मटेरियल फिर से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। तो इसलिए आपको इस पॉइंट पे जाके छोड़ देना है, जो मटेरियल मैग्नेटाइज था वो डीमैग्नेटाइज कंप्लीटली हो जाएगा इस पॉइंट पे। अगर आप फिर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भेजते रहे, मैग्नेटाइज उसको करते रहे, तो फिर से हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि फिर से वो सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये हमारा क्या होता है, हिस्टेरेसिस कर्व होता है, जो बताता है कि जो मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं वो किस तरीके से क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर क्या होगा, मटेरियल खुद से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को अपने अंदर से रिलीज करेगा या मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करेगा, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। इससे ज्यादा वो नहीं होगा, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, रिटेंटिविटी की। ठीक है, फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा, फिर वो इस पॉइंट पर आके हमारा मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ज्यादा ही डीमैग्नेटाइज करते गए तो फिर से वो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर से वो सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये हमारा क्या होता है, हिस्टेरेसिस कर्व होता है, या इसको हम बीएच कर्व बोलते हैं। इसको और डिटेल में आप पढ़ना चाहें एमपीटी के केस में, लेवल 2 में इतना ही है, अगर आप और डिटेल में तो उसको फिर 12th में भी आप पढ़े होंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हिस्टेरेसिस।